सुबह का टाइम है, यहाँ पे आंगन धोते धोते मैं पेड़ पौधों को पानी डाल रही थी और मैं हरी भाजी लेकर आई थी, उसकी काड़ियाँ लगाई थी यहाँ पे और उसके अच्छे से पत्ते आ रहे थे, मैं दिखा रही थी, खूबसूरत दिख रहा था वो। और नीचे गाय आके ठहरे हुए थे और जब जब मैं रोटी देते रहती हूँ गायों को, बहुत अच्छे दिख रहे थे इसलिए मैं दिखा रही थी। यहाँ पर आ गई हूँ नहाकर, नहाने के बाद पूजा वगैरह हो चुकी है मेरी। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सुनीता व्लॉग में। पूजा वगैरह हो चुकी है मेरे, सुबह के सारे काम हो चुके हैं, अब आ गई हूँ मैं किचन में। उपमा बना रही हूँ मैं नाश्ते के लिए, अभी नाश्ते के लिए उपमा बनाऊंगी और नाश्ता कर लूँगी। अभी कपड़े वगैरह नहीं धोए, अभी कपड़े वगैरह धो लूँगी मैं। आज तो कुछ ज़्यादा कुछ काम है ही नहीं, मेरे हस्बैंड सुबह ही चले गए थे ड्यूटी पर और निकिता मैं ही थे घर में और दिनेश मेरे मम्मी के पास था। नाश्ते के लिए क्या बनाना वही सोच रही थी मैं, और उपमा बनाऊंगी, बस थोड़ा सा ही खाना है। चाय वगैरह पीकर बैठी थी पूजा के बाद, उपमा बना रही हूँ। उपमा किसी को भी पसंद नहीं है मेरे घर में, और निकिता बोल रही थी मम्मी क्यों उपमा बना रही हो, मैं नहीं खाऊंगी बोलकर बोल रही थी। मैं निकिता को गुस्सा कर रही थी हर चीज़ खाना चाहिए बोलकर। उपमा मेरे घर में किसी को भी पसंद नहीं है मेरे सिवा, उपमा खाने के लिए सब नखरे करते रहते। दिनेश तो खाता ही नहीं, दिनेश के पापा नहीं खाते। मेरे को उपमा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बना लेती हूँ जब जब उपमा आवाज़ तो आ रही है। हमेशा इडली डोसा वो सब के बगैर और भी कुछ ट्राई करते रहना चाहिए, खाना चाहिए बच्चों को। बच्चे बोलते रहते मम्मी वो नहीं ये नहीं बोलकर, मैं ज़बरदस्ती से हरे सब्जियां भी खिला देती हूँ, सब्जियां भी खाने से मना करते हैं वो भी खिला देती हूँ उन लोगों को। और हमेशा दिनेश रहता है मेरे साथ किचन में, आप देखे होंगे मेरे बहुत सारे वीडियो में, दिनेश हमेशा मेरे साथ बैठा हुआ रहता है किचन में आकर। और अब मेरी बेटी भी बैठते रहती है और सीखते रहती है, मम्मी तुम कैसा बनाती हो, मैं देखूंगी मैं भी सीखूंगी। सीखना चाहिए बच्चों को भी कभी, मैं निकिता से कहती हूँ बेटा तू भी सीख ले पकाना, कभी मेरी तबीयत वगैरह ख़राब हो गई तो फिर तेरे को पकाना भी आना चाहिए, फिर मेरे वजह से सब भूखे रहते हैं। इसीलिए मैं जब भी पकाने को जाती हूँ वो देखते रहती है, सीखते रहती है, यूट्यूब में देख कर सीखते रहती है वो। अभी वो खाली है इसीलिए मैं उसको सीखने के लिए कह रही हूँ। सेकेंड ईयर हो चुका है मेरे बेटी का, अभी डिग्री में जाएगी वो, अभी जब तक कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे तब तक मैं उसको सिखाऊंगी काम। फिर कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और प्याज, प्याज ज़्यादा यूज़ होता है मेरे घर में, इससे पहले भी बोली थी प्याज बहुत ही ज़्यादा प्याज की। चाय पीते हुए बैठी थी, प्याज वगैरह वही काट कर लगा रही थी उपमा बनाने के लिए, प्याज ज़्यादा ही काट के लगाई थी फिर मैं क्यों रखना इसको बोलकर मैं बना दी। फिर प्याज अलग से लगा दिया तो फिर उसका फ्रिज में गंदी स्मेल आती है, इसीलिए बच्चे गलतियां कर ही सीखते हैं, जो भी गलतियां बस यहाँ ही करना यहाँ ही सीखना वही रहता है बच्चों का, इसीलिए करते जब जब करते रहती है मैं बीच में आकर बोलती है मैं कर देती हूँ मम्मी बोलकर। थोड़ी देर अच्छे से पका लूँगी इसको, पानी इसको अच्छा पकना चाहिए तभी उपमा में टेस्ट आता है, पानी डालते इसके रवा नहीं डालना चाहिए इसमें, आवाज़ आ रही कि नहीं। तो लाइट ऑन करे तो उसको बिल्ली की आँखें दिख रही दिखे। जब स्कूल में कॉलेज में बच्चे बिजी हो जाते हैं उन लोगों को काम करने का मौका नहीं मिलता है, सीखने का मौका नहीं मिलता है। अभी सेकेंड ईयर ख़त्म हो चुका है, अभी खाली बैठी है वो, इसलिए पकाना भी सिखा दूंगी मैं उसको। बच्चे थोड़े से बड़े होते खुद के काम खुद कर लेना चाहिए बच्चों को। दिनेश को भी मैं बोलते रहती हूँ, वो स्कूल को जाते खुद तैयार होता है, खुद नहाता है, खुद रेडी हो जाता है स्कूल को जाने के लिए,
और स्कूल से आता है, खुद पानी का बॉटल निकाल कर धोकर लगा देता है, टिफ़िन सिंक में डाल देता है, वो खुद के काम अच्छे से कर लेता है। ऐसा नहीं है खाने की जगह पे आनाकानी करता है, लेकिन बाकी के उसके जो काम होते हैं वो खुद कर लेता है। दिनेश अभी छोटा है, उसको काम करना, उसको काम लगाना अच्छा नहीं दिखता है। बचपन होता है वैसा, मम्मी करो, बहन करो, बस ऐसे रहते छोटे बच्चे। यहाँ पे मेरा हुक्मा बनकर रेडी हो चुका है, अभी खा लेंगे हम दोनों, निकिता मैं। अभी नाश्ते के बाद थोड़े से बर्तन रह जाएंगे, वो भी धो लूँगी। थोड़ा देर बैठ जाऊँगी, थोड़ी देर बैठने के बाद कपड़े वगैरह धो लूँगी। कपड़े का क्या है, कपड़े अभी जब धूप है तभी धोना चाहिए, अभी बारिश के जो मौसम है आ चुके हैं। मैं फटाफट से कर देती हूँ कपड़ों का काम, क्योंकि बारिश, पता नहीं कब बारिश आ जाएगी। शाम के 5:30 बज चुके हैं, मैं आंगन में झाड़ू लगा रही हूँ, और शाम के टाइम पे भी झाड़ू लगा देती हूँ मैं बाहर। और मौसम अचानक से बदल चुका है, बारिश होती है ऐसा दिख रहा था, थोड़ी देर बाद फुल बारिश आ चुकी थी, और नीचे घोड़े वगैरह ठहरे हुए थे और ऊंट भी ठहरा हुआ था, बहुत प्यारे दिख रहे थे दोनों, इसीलिए मैं उन लोगों को दिखा रही थी। बहुत खूबसूरत दिख रहे थे दोनों, घास खा रहे थे नीचे, ऊंट पे, घोड़ों पे, बच्चों को घुमाते हैं यहाँ पर जो ऊंट वगैरह लेकर आते हैं वो भैया लोग। मेरे घर के सामने जो पहाड़ है वहाँ पे बहुत सारे मोर आ जाते हैं बारिश बंद होने के बाद। सुबह के टाइम पे बहुत सारे मोर रहते हैं, वो आवाज़ें करते रहते हैं, बहुत खूबसूरत दिखता है सुबह के टाइम पे। अभी फुल बारिश हो चुकी थी, अभी कम हो चुकी है बारिश, अभी थोड़ी देर के से मैं बाहर बैठी हुई हूँ, थोड़ी सी कॉफ़ी पी रही हूँ। मौसम भी ठंडा हो चुका है, बहुत खूबसूरत है मौसम, इसलिए थोड़ा सा बाहर बैठी हूँ। जब जब बैठते रहती हूँ मैं यहाँ पे। मैं आ गई हूँ किचन में, रात के 9 बज चुके हैं, बारिश की वजह से करंट भी चले गया था और थोड़ी देर बैठ गई थी मैं वैसी। करंट आने के बाद पकाने के लिए आ गई हूँ मैं, थोड़ा सा सब्जी बनाई थी, तुरई फ्राई बनाई थी, और उसके लिए रोटी बना रही हूँ मैं जवारी की। और निकिता हंसा रही थी मेरे को, मम्मी तुम नया तवा लेकर आई हो ना, मैं बताऊँगी सबको आप रोटी कैसा बना रही हो बोल कर। मैं दोशे के तवे पे बनाती थी ना, उस पर ठीक नहीं आते थे, टूट जाते थे, और इस पर अच्छे से आ जाएंगे। उससे बात करते हुए मैं रोटी बना रही हूँ यहाँ पे। रात का खाना बन चुका है मेरा, बस रोटी बनाने के बाद कुछ काम है ही नहीं, और बस यहाँ तक था आज का रूटीन। आपको आज का रूटीन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।